नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन, मैं हूं आपके साथ सौरव त्रिपाठी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के 75 विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शिक्षकों को क्यों ये पुरस्कार दिया जाता है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने अधिकारियों के अनुसार देश भर से 75 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। चयनित पुरस्कार विजेताओं में 50 स्कूल शिक्षक, उच्च शिक्षा संस्थानों के 13 शिक्षक और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल हैं। अब जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत की और यूथ ब्रेन को आकार देने में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने अपना आवास पर पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की और उनके साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य लोग भी मौजूद थे। शिक्षकों की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है एक ख़ास लम्हा होता है। देखिए, अगर समाज को परिवर्तित करने का सबसे महती भूमिका कोई अगर निभाता है तो है शिक्षक। अब कोई विद्यार्थी अगर उसकी बात किया जाए, अगर वो समझदार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप कल्पना कीजिए हमारा समाज कैसा होगा। अब बच्चों को उनके माँ बाप स्कूल में भेजते हैं, शुरुआत में माने ठीक है, घर में कुछ बच्चों को संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया, प्रथम गुरु माँ को ही कहा जाता है। लेकिन शिक्षक जब बच्चा घर से स्कूल में जाता है तो शिक्षक बच्चों को किस तरीके से एक अच्छा आकार देता है, एक संस्कृति को सिखाता है, सब्जेक्ट को पढ़ाता है, बच्चों के लिए माहौल क्रिएट करता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कुछ लोग हैं कि ऐसे माहौल बनाते हैं कि बच्चे खेल खेल में सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इतना दहशत पैदा करते हैं कि जो बच्चा स्कूल नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा माहौल आपको बनाना चाहिए कि बच्चे खेल खेल में सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं।